बच्चों कैसे हैं आप सब लोग माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन वन शॉट देखिए हर एक चैप्टर अलग अलग होता है तो उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होनी चाहिए ना हर एक आप सेम स्टिक से आप सबको मेजर नहीं कर सकते आज के चैप्टर में हमने क्या चेंज किया है हम चाहते हैं कि आज आप थोड़ा आप सेट बैक करें रिलैक्स करें ठीक है और चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दें एज कंपेयर टू लिखने के लिए हम ये चाहते हैं क्लास फिनिश हो उसके बाद आप हमारी ऐप में जाएं नोट्स जो हमने लिख रखे हैं उनको आप डाउनलोड करें और एज इट इज उसी को अपनी फाइनल रिवीजन के लिए रख लें ठीक है वी हैव मेट्रिकुलसली प्लान दिस चैप्टर बाई कीपिंग एनसीआर टी इन माइंड एज यू नो वी आर स्टडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं आज मैंने भी अपना जो लिखने का काम है वो के पहले इसी कर लिया कि आपका टाइम बचे आपके लिए बढ़ा सकते हैं अगर आप रिवीजन कर रहे हैं कुछ समझ रहे हैं तो मेरे साथ साथ धीरे धीरे समझते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं उन एलिमेंट्स को जिनका डी सप्शियल जो होगा या तो एलिमेंट स्टेट में या आइनिक स्टेट में क्या होगा फिल्ड क्या होगा पार्सली फिल्ड यानी कि फुली फिल्ड नहीं होगा डी टेन नहीं होना चाहिए डी वन से लेके डी नाइन के बीच में होना चाहिए ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतना बेसिक सी बात है जैसे जिंक हो गया कैडमियम हो गया मरकरी हो गया क्या आपको पता है जिंक का 3D डी सब्सल फुली फिल्ड होती है थ्री डी कैडमियम की भी

चार तरह की सीरीज होती है एक थ्री सीरीज फोर सीरीज 5D सीरीज और 6D सीरीज 3D सीरीज जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है स्कैंडियम से लेके जिंक तक 4D सीरीज यूट्रियम से स्टार्ट करके कैडमियम तक लेंथेनम से स्टार्ट करके मरकरी तक और जो 6D सीरीज है रेडियो एक्टिव है हालांकि ये भी कॉपर नीसियम वगैरह पे खत्म हो रही है बट टॉक अबाउट समथिंग विच इज रेलिवेंट लेट्स नॉट गेट इन टू दो विच इज इन रेलिवेंट कराने को चैप्टर जो है मतलब की आप पढ़ाते रहेंगे चौदह पंद्रह घंटे तब भी खत्म नहीं होने वाला बट हमें तो मकसद है वन मंथ इज लेफ्ट लेट्स

3d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा 21 से लेके 30 तक ठीक है 3d से अगर 4d जाना है तो 18 एटॉमिक नंबर ऐड कर दीजिएगा 18 ऐड कर दीजिएगा जैसे इसका 30 इसके बारे में पता करना है तो दैट इज 18 ऐड कर दीजिएगा यानी कि इसका हो जाएगा 48 और अगर 4d से 5d में जा है ये रहा 3d 4d 5d ठीक है पर अगर आपको 4D से 5D में जाना है ठीक है तो 32 ऐड कर दीजिएगा यानी कि 48 में 32 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 80. एक और एग्जांपल कर ले जैसे देखिए आप ये रख लो एम एन R. MN एम एन का तो याद करना है मैंने बोला थ्री सीरीज में है, 25 आएगा अगर कोई पूछ ले टीसी का बताओ 18 ऐड कर दो और अगर कोई पूछ ले आरी का बताओ तो दैट इज कितना 32 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 75 फाइव हालांकि अटोमिक नंबर आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आज हम क्वेश्चंस करेंगे भी पी वाई क्यूस में उसमें गिवन होगा बट फिर भी एक अपनी रेफरेंस के लिए भी पता होना चाहिए ठीक है बस ये बात का ख्याल रखेगा स्कैंडियम यूट्रियम और लेंथेनम यहां पर ऐसा नहीं होगा यहां पर भी 18 और यहां पर भी आप क्या करेंगे दैट इज एटीन ही करेंगे ठीक है इन तीनों के केस में बाकी थ्री डी से फोर डी एटीन फोर डी से फाइव डी थर्टी टू वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ ठीक है आगे बढ़ते थ्री डी सीरीज याद करनी है फोर डी सीरीज याद करनी है फाइव डी सीरीज याद करनी है सिक्स डी रेडियो एक्टिव है छोड़ दो थ्री डी सीरीज कैसे याद करेंगे यहां पर लिखी हुई है हमने सारी थ्री सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियमडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ठीक है मैंने ऐसा निमोनिक जो है वो बुक से लिख रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन निमोनिक है जानबूझ के कोई अपने लिए न, आ, न, अपना नया निमोनिक नहीं ने बनाया क्योंकि आप में से बहुतों ने ये कॉमन निमोनिक याद कर रखा होगा या इसको किसी भी अगर निमोनिक से आपने याद कर रखा होगा उससे भी काम चल जाएगा बट हाँ करना जरूर है ये ज्यादा इम्पोर्ट दैट इज शक्ति विक्रम शक्ति में ये स्कैंडियम टाइटेनियम वैरियम क्रोमियम मैंगनीस शक्ति और विक्रम क्या है टैंकू पैंकू समझते हैं ना और जो बड़ी बड़ी डिंके हांगता है ना ठीक है और एक और है दैट इज निक्कू ठीक है निक्कू जी उससे भी बड़ा ठीक है ये तो है ही फैंकू जो उनमें से निक्कू है वो उनसे भी बड़ा फैंकू ठीक है ये री थ्री डी सीरीज किसी और निमोनिक से कर रखा होगा वेल एंड गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर डी सीरीज ठीक है ट्रियम जरकोनियम नोबियम वॉलीबैंड टेक्नीशियम रुथीनियम रोडियम पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम ठीक है इसको कैसे याद करेंगे ये जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर रो रो कर पुकारेगी आज चांद को पढ़ लो नहीं तो ऐसा ही होना फिर पर पढ़ लोगे तो इसके होने के चांसेस कम है नहीं तो फिर यही लिखा है किस्मत में मर्जी तुम्हारी है है ना चलिए जी नेक्स्ट है 5D सीरीज ठीक है नहीं पढ़ोगे तो वैसे ये भी हो सकता है ठीक है कि पता चले किसी गलत लाइन में चले जाए ला हफ्ता वो होते हैं ना गुंडे जो सबसे हफ्ता इकट्ठा करते हैं, ठीक है वरना वरना उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा सर सिक्स डी सीरीज नहीं याद करवाया बोल दिया रेडियो एक्टिव है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हॉस्पिटल लिखा है लास्ट में अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूँ ठीक है चलो या इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूं नहीं नहीं ठीक है आगे नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ठीक है दैट आउटर मतलब है यहां पर आउटर मोशन आउटर मोशन की एस सबशेल में जीरो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं वन भी हो सकते हैं टू भी हो सकते हैं लिखा है ना जीरो वन टू ठीक है और आउटर मोस्ट से एक पहली ठीक है जलाइका करिए फोर है फोर एस है तो ये थ्री डी है ये फाइव एस है तो है, फोर डी है तो है, फाइव डी है तो ये सिक्स डी है ठीक है आउटर तो तो की S में जीरो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं वन भी हो सकते हैं टू भी हो सकते हैं ठीक है थीके? उससे पहले की जो एक है, ठीक है उसके अंदर वन से लेके टेन तक हो सकते हैं वन से लेके टेन तक हो सकते हैं वन बी टू बी थ्री बी ठीक है फोर एस में जीरो से टू के बीच में बताने के लिए बता रहा हूं फोर एस सिर्फ बोल दिया आपने मुझे बोलना था एन एस एन एस में जीरो से लेकर टू तक ठीक है फोर से एक पहले वाली यानी कि एन से एक पहले वाली जो डी होगी उसमें कुछ भी हो सकता है सर कोई एग्जाम्पल दीजिए बिल्कुल ये देखिए आयरन 26 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे पहले भी सीखा है आप लोगों ने सबसे पहले तो इसके पास का नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए दैट इज आर्गन आर्गन का कितना होता है एटीन तो लिखना 26 था उसमें से 18 तो आपने लिख लिया ठीक है बाकी कितने बचे 8 बचे 18 प्लस एट ट्वेंटी होता है तो बाकी 8 कैसे लिखूंगा पहले 4s के दो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 प्लस 2 कितने हो गए? 20, और फिर साथ में जो 6 बचे दैट इज 3d6 हो गया 26, ठीक है एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते ट्वेंटी सेवन लिखना एटीन हो गया तो 20 हो गया कितने बच गए 7 वो 3d में चले जाएंगे ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ठीक है अगर कोई पूछ ले कि सर Fe की तो आपने लिख दी आप लिख के दिखाओ Fe2 पॉजिटिव की लिख देते हैं पहली बात तो Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन ऐड भी पहले 4s में होता है एज कंपेयर टू 3d रिमूव भी पहले 4s में से होता है एज कंपेयर टू 3d यानी कि ये क्या बन जाएगा फोर एस जीरो थ्री डी सिक्स दो इलेक्ट्रॉन निकालने थे दोनों के दोनों एस में से निकाल लिए सर अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकालने होते बेटा पहले दो तो एस में से निकल जाते अगला किस में से निकल जाता थ्री डी में से तो क्या बन जाता फोर एस जीरो थ्री डी फाइव ठीक है ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है ना? आपको लिखनी आती होगी प्रॉब्लम कहां पे आएगी प्रॉब्लम कहां पे आएगी ये सारे केस जो भी दो तीन समझाए हैं हम लोगों ने ठीक इन है इनमें एन एस टू है ठीक है, टू है इसमें भी क्या है ns2 टू है सर ns1 वन वाले केस बताओ या ns0 जीरो वाले केस बताओ पेपर में जनरली आने के चांसेस उसी के होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वही क्रिएट कर सकता है ठीक है ns1 वन का मतलब समझ लेते हैं कि यानी कि अब एस में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया ठीक है और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए हैं डी में चले गए हैं ठीक है यहां पर तो होता था पहले एस में दो भरो बाकी जितने बच गए वो डी में डाल दो एन एस वन का मतलब क्या है कि एन एस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे सारे किसमें चले जाएंगे डी में चले जाएंगे ठीक है जैसे उसके लिए हमने एक छोटा सा डिमोर्निंग बना रखा है

एस वन देखिए जरा सबसे पहले दिस इज नायोबियम क्रोमियम कॉपर मॉलिबेंडम टेक्नीशियम लिथीनियम रोडियम प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड सर कोई एग्जाम्पल लिख के बताओ एक दो पहले आसान बता देते हैं फिर कोई अच्छा सा भी बता देते हैं जैसे सबसे पहले पकड़ लेते हैं क्रोमियम जो बहुत आसान है ठीक है देखिए जी क्रोमियम नंबर कितना ये गिवन होगा इसकी टेंशन मत लगाना आप लोग पेपर में ठीक है सबसे पहले नियरेस्ट नॉवल गैस दैट इज आर्गन कितने हो गए इस बचे कितने हैं ये NS1 वाला है यानी के फोर में सिर्फ एक जाएगा आंसर चला गया फोर एस वन ठीक है बाकी कितने बज गए पांच गए सिक्स भरने भर दिया कितने गए पांच वो सारे थ्री में चले जाएंगे लो भाई सर कॉपर ये भी एक आसान वाला कर लेते हैं तक तो यही हो गए इलेवन बच गए ठीक है उनमें से एक तो फोर में जाएगा ये भी एन एस वन कंफिग्रेशन वाला ठीक उसके बाद कितने बच गए हैं टेन वो टेन के टेन किस में चले जाएंगे थ्री में ठीक है एक और कर लेते हैं Uh, कौन सा कर लें चलो सिल्वर कर लेते हैं यार ठीक है सिल्वर का डॉमिक नंबर पर होता है कितना होता है कॉपर के जस्ट नीचे पाया जाता है यानी कि 29 में 18 ऐड करूंगा दैट इज 47 बट फिर भी आपको गिवन होगा इसके सबसे पास कौन है आर्गन uh, क्रिप्टन 36 तक तो ये हो गए ठीक है बाकी कितने बच गए 11 ठीक है उसमें से एक तो यहां पे चला जाएगा फाइव एस वन बाकी कितने बच गए के में का कंफिग्रेशन लिख सकते हैं एन एस टू वाले नॉर्मल जो सबसे पहले पेज पे किए इस पे किए हम लोगों ने ठीक एन एस वन वालों का बता दिया निमोनिक एग्जाम्पल भी कर लिए सर एन एस जीरो वाला कौन होगा जिसके एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जितने भी होंगे वो गैस के बाद सीधा का सीधा सारे डी में ही भरे जाएंगे पैलेडियम 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 ठीक है है नंबर कितना का लिख देता हूं कि जीरो होती है ठीक है अटोमिक नंबर कितना है फोर्टी सिक्स सर आपको कैसे पता निकल के नीचे होता है निकल का 28 उसके अंदर 18 ऐड करने थे 46 हो गया, थर्टी सिक्स ठीक है बाकी कितने बच गए दस दस के दस किस में जाने हैं सर डी में जाने हैं क्योंकि एन एस जीरो वाला एस में कोई भी नहीं जाएगा दैट इज फोर डी टेन लो भाई खत्म हो गया ठीक है तो आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की अब आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख सकते हैं चाहे वो थ्री डी का हो चाहे फोर डी का हो चाहे फाइव डी का हो ठीक है हमने सारे एक्सेप्शनल केस डिस्कस कर लिए हैं अगर वो एक्सेप्शनल में है तो एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी या पैलेडियम हो गया ठीक है उसके अलावा बाकी सब में एन टू करना है और आ, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो डी में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 3d6 कब आया है AIPMT 2010 में 3d6 में लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे आर्गन के बाद ठीक है तो इनमें से कौन सा हो सकता है ठीक है ऑप्शन ए से चेक कर लेते हैं निकल अटोमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी क्या आ जाएगा फोर एस टू थ्री डी एट ध्यान से देखें थ्री पॉजिटिव बनाना है यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा भी में निकलेगा भी फोर एस से तो क्या बन गया फोर एस जीरो थ्री डी सेवन सर ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था आर्गन थ्री डी सिक्स ये क्या आ रहा है आर्गन थ्री डी सेवन ये हमारा आंसर नहीं है क्या चेक करके देखें कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव हो सकता है कोबाल्ट पॉजिटिव हो सकता है ट्वेंटी सेवन आर्गन एस टू थ्री डी सेवन 3d7 कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने कर रहे हैं दो एस में से एक डी में से आ गया बेटा आर्गन थ्री डी सिक्स दो एस में से चले गए एक डी में से चला गया ठीक है क्या यही आंसर है हमारा दैट इज कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव लेट्स मूव अहेड अटोमिक एंड आइनिक रेडियाई सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए जनरल अगर हम बात करें जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं। सर वो कौन सी फोर्सेस हैं और वो क्या करती हैं ध्यान से देखिए ये रहा न्यूक्लियस ध्यान से देखिए ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं हाँ सर नाम सुना हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटरमो शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिपेल करते हैं नाम क्या है इसका शील्डिंग इफेक्ट ठीक है इससे साइज इंक्रीज होता है ऑब्वियसली रिपल्शन होंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जाएंगे तो न्यूक्लियस से आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा एक तो ये हो गया दूसरी कौन सी हो गई सर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है अट्रैक्ट कर रहा होता है जिससे साइज क्या होता है डिक्रीज तो दो अलग-अलग फोर्सेस अलग काम करती हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज यहां से हम मूव करेंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो बेटा ज्यादा होती है एस कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्शन कम यानी के, के होगा डिक्रीज ठीक है ठीक है आगे बढ़ते बट अगर हम बात करें अगर हम बात करें ये आयरन से लेकर कॉपर जाने तक यानी के आयरन को बाल्टिकल कॉपर ठीक है मैंगनीज से आगे ही है चाहे वो आयरन मैंगनीज के बाद बोल सकते हो आप मैंगनीज से बाद तक कॉपर तक क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या है सेम इसका मतलब मैंगनीज के बाद और कॉपर तक साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम ठीक है हालांकि साइज़ डिक्रीज़ होता है से लेकर कॉपर जाने तक बट इतना कम डिक्रीज़ होता है कभी वन पीकोमीटर डिक्रीज हो गया कभी हाफ पीकोमीटर डिक्रीज हो गया अरे ऐसे साइज का क्या डिक्रीज होना यानी कि डिक्रीज क्या होगा बहुत कम जिसको हम क्या बोल सकते हैं साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम और अगर कॉपर से जिंक जाएंगे साइज विल इंक्रीज कॉपर से जिंक जाएंगे साइज क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक सर अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम ये तो आपने लेफ्ट टू राइट बात कर ली स्कैंडियम से मैंगनीज जाएंगे साइज डिक्रीज होगा मैंगनीज से बात से लेके कॉपर तक जाएंगे साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा कॉपर से जिंक में जाएंगे ये साइज क्या होगा इंक्रीज होगा हाँ सर यहां पर साइज को इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर जिंक में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा हाँ सर बताइए आपको तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और रिपल्शन बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ये तो बात हो रही थी लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड के बारे में अब बात करेंगे टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करेंगे ठीक है ध्यान से से सुनिएगा समझिएगा अगर हम 3D से, 4D जाएंगे साइज इंक्रीज होगा हाँ सर इंक्रीज ही होना चाहिए सब सबको पता है कि बढ़ती हैं तो साइज इंक्रीज होता है ठीक है कौन सी नई बात बता रहे हो आप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ठीक है बट अगर हम मूव करें 4D से 5D ठीक है साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम अरे सर ऐसा कैसे यहां पर भी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, जैसे 3D से 4D जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, साइज बढ़ रहा है समझ आ रहा है वैसे ही 4D से 5D जाने पर भी शेल्स बढ़ रही है तो साइज ऑलमोस्ट सेम कैसे है ठीक है इसको समझते हैं ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं मैं ऑलरेडी इसी उम्मीद सीरीज में इसको दो बार पढ़ा चुका हूं जो आपको एक बार हमने पढ़ाया इसको प्रियोडिसिटी में और एक बार हमने इसे पढ़ाया होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह इंक्रीज कर एक्सप्लेन करनी होगी थैलियम की इंडियम वगैरह के साथ बट फिर भी एक बार फिर से यहां पर थ्री सीरीज है यहां पर फोर यहां पर फाइव इतना पता है ना सबको क्या फाइव डी को भरने से पहले यहां पर भरा जाता है फोर एफ वाले जिनको बोलते हैं लेंथनोइट क्या आपको पता है एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है पी का उससे कम डी का उससे कम एफ का सबसे कम एफ वाले अंदर है डी वाले बाहर है ठीक तो फोर एफ वालों का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम यानी कि ये इसको रिपेल बहुत कम करेंगे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल्शन क्या होगी बहुत कम इसका मतलब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज में उतना फर्क नहीं आएगा ध्यान से सुनो बढ़े यस सर साइज बढ़ना चाहिए था ठीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा यस सर साइज कम होना चाहिए था एक फैक्टर साइज को इंक्रीज कर रहा है एक फैक्टर साइज को डिक्रीज कर रहा है इस कारण 4d से 5d आएंगे तो जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ क्यों वही फोर वालों का स्पीक शील्ड इफेक्ट होता है जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा जिसके कारण जो है वो साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम ये जो राम कहानी है ना कि फोर वालों का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ठीक है एंड साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है इसको हम बोलते हैं लेंथ नॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथे नॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या लेंथेनॉइड ए कॉन्ट्रेक्शन का मैंने अभी अभी बता दिया आपको फोर एफ वालों का शील्डिंग इफेक्ट ठीक है तो साइज में जो डिक्रीज आएगा वो साइज uh, ऑलमोस्ट जो है फोर डी और फाइव डी का क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन क्या क्या होगा पहली बात साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर डी एंड फाइव डी थीरीज बिकम्स सिमिलर ठीक यहां पर होता फोर डी में यहां पर फाइव में हाफ नियम होता है इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम साइज भी क्या होगा सेम इन दोनों को अगर एक ही बीकर में रखा होगा तो इनको सेपरेट करना भी क्या होगा बहुत ज्यादा मुश्किल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है एक पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो दूसरा भी रिएक्ट कर जाएगा एक रिएक्ट नहीं करेगा तो दूसरा भी रिएक्ट नहीं करेगा ठीक है तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है किसके कारण लेंथेनॉइड नॉइड के कारण ये फोर डी में यह फाइव डी में Zirconium का अगला होता है niobium, और इसके नीचे होता है टेंटलम सिमिलरली नाइओबियम और टेंटलम का साइज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इनको सेपरेट करना क्या होगा बहुत ज्यादा मुश्किल एंथरॉड काशन क्या होता है उसका इफेक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया ठीक है हाँ जी क्वेश्चन क्या है रीजन ऑफ लेंथन एड कॉन्ट्रेक्शन कब आया है एआईपीएमटी 2014 में क्या क्या है रीजन है लेंथन एड कॉन्ट्रेक्शन का कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है फाइव डी से पहले वाले उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है देखें कोई ऐसी ऑप्शन है यस दैट इज नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ और बिटल्स तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते

PIPMD 2015 आगे बढ़ते हैं बेटा हाँ, के बारे में बात करेंगे हम में. का जो मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम सीरीज शुरू हुई स्कैंडियम का कम होगा टाइटेनियम का ज्यादा होगा ज्यादा होगा क्रोमियम का उससे ज्यादा होगा पहले बढ़ रहा है ठीक फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा सर ऐसा क्यों मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन पे क्या बोला मैंने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे ठीक है बना के दिखाऊं स्कैंडियम ऑटोमिक नंबर ट्वेंटी वन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आर्गन फोर एस टू वन क्या सिर्फ एक अनपेयड इलेक्ट्रॉन है यस सर टाइटेनियम आर्गन फोर एस टू 32 पता है ना दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप देख रहे हैं पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा ऐसा ही होगा ठीक है स्कैंडियम से जाते हुए क्रोमियम तक फिर उसके बाद मैंगनीज में डिप आएगा सर मैंगनीज में डिप क्यों आ रहा है क्योंकि मैंगनीज के पास भी बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी वाले देखो सर फोर एस टू थ्री डी फाइव तो ऑब्वियसली इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए था बट ये क्रोमियम से क्या है कम है डिक्रीज हो रहा है सर ऐसा क्यों बात को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर ठीक मेटालिक बॉन्ड एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड इसी कारण बनाता है कि वो स्टेबल हो जाए ठीक है वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए क्या एम एन ऑलरेडी हाफ फिल्ड है यस सर ऑलरेडी स्टेबल है यस yes, सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑलरेडी क्या है स्टेबल है ऑलरेडी अगर स्टेबल है तो ऑब्वियसली इसकी मेटेलिक बॉन्ड जो है वो उतनी ज्यादा नहीं बनाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा डीलोकलाइज नहीं करेगा इसी कारण एम का मेल्टिंग पॉइंट में डिप आएगा सेम इज द केस विद टेक्नीशियम ऑल्सो ठीक है जैसे एमएन है ना एमएन के नीचे आता है टीसी इसके भी मेल्टिंग पॉइंट में डिप आएगा इसके भी मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा डिप रीजन क्या है सेम वो भी हाफ फिल्ड है ऑलरेडी स्टेबल है मेटालिक बॉन्ड्स उतनी ज्यादा नहीं बनाएगा इसी कारण एमएन के भी मेल्टिंग पॉइंट में डिप और टीसी के भी मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा डिप आएगा आगे बढ़ते हैं हाँ ये कुछ चाहिए तो अभी अभी किए ठीक है एक्सप्लेन द डिप इन मेल्टिंग पॉइंट फॉर एम एन एन टी सी ऑलरेडी कर दिया क्या एस दे हैव हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल देयर फोर स्टेबल देयर फोर ठीक है पहली बात तो क्या होंगे ये स्टेबल होंगे इसी कारण इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इज लेस ध्यान से सुनिएगा आगे जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में बात करें इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है आपको तो यह भी पता ही है कि जो मरकरी है वो तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे क्यों क्योंकि क्यों उनके पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्लास की शुरुआत में बताया था ये थ्री डी टेन था ये फोर डी टेन था ये फाइव डी टेन था ऑब्वियसली तो इनकी मेटालिक बॉन्ड्स बहुत वीक होंगी या एग्जिस्ट नहीं करेंगी बहुत वीक होंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा मेटालिक करेक्टर अब भी अब भी बात करिए क्या एन के इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन मटैलिक बॉन्ड बनाने में काम आते हैं स्कैंडियम से अगर आप शुरू करोगे पहले नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं मटैलिक बॉन्ड्स भी बढ़ती जाएंगी फिर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी पेयरिंग का एग्जाम्पल ये देखो आयरन ट्वेंटी सिक्स फोर एस टू आर्गन फोर एस टू थ्री डी सिक्स देख रहे हो थ्री डी फाइव के बाद जैसे थ्री डी सिक्स आया पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई और अगर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होना शुरू हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सर एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या ठीक है जब भी कोई मेटल पीस के अंदर पड़ा हुआ है किसी मेटल के पीस के अंदर पड़ा हुआ है ऑब्वियसली वो बाकी मेटल से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक बॉन्ड यस सर ठीक है जितनी भी मेटल ने मेटेलिक बॉन्ड बना रखी है उन सबको तोड़ के के एक सिंगल मेटल एटम को अलग अलग करना उसे क्या बोलेंगे आप इंथाली ऑफ एटोमाइजेशन मैं रिपीट कर देता हूं एक मेटल का पीस के अंदर जब मेटल पड़ा होगा मेटल का एटम पड़ा होगा उसने बाकी मेटल के एटम्स के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाई होगी ठीक है उन मेटेलिक बॉन्ड्स को तोड़ के अलग अलग करने के लिए एक मेटल के एटम को अलग अलग करने के लिए जितनी हीट लगेगी जितनी एंथाल्पी लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम ऑफ एटोमाइजेशन सर एंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड किसके ऊपर करेगी अभी अभी बताया क्या मटैलिक बॉन्ड्स को तोड़ना है ना तो मेटालिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगी मटैलिक बॉन्ड या मटैलिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता था सर अभी, अभी अभी बताया आपने वो भी जस्ट पीछे कि और n 1 d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है तो बस एंड ऑल्दो एन्थैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन क्या मेटालिक बॉन्डिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर जनरली एन्थैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शुड क्या फर्स्ट इंक्रीज़ इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 5 एंड 6 पहले अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो एन्थैल्पी ऑफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो भी बढ़नी चाहिए होना यही चाहिए होना यही चाहिए बट ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि है, है? इंथालियोटोमाइजेशन कर डिपेंड करती है मेटेलिकॉन्ड पर मेटेलिकॉन्ड डिपेंड करती है बढ़नी तो चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए कम यहां तक तो क्लियर हो गया ठीक है बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता क्योंकि हर एक मेटल की पैकिंग अलग अलग हो सकती है हो सकता है कोई सिंपल क्यूबिक पैकिंग में हो कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में हो सिंपल क्यूबिक गलत बोल दिया मैंने सिंपल क्यूबिक नहीं बोलना था उसके अलावा कोई पैकिंग हो सकती है बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में हो एफसीसी में हो हैगजैगनर क्लोज पैकिंग में हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम ले लीजिए उसको हीट करिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं आप आयोनाइेशन एनर्जी देखिए लिखा क्या हुआ है और मेरे ख्याल से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या आयोनाइेशन एनर्जी फाइव 5d एलिमेंट्स इज हायर देन द 4d एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथ एंड नॉइड क्या दोबारा बताना पड़ेगा क्या एक बार देख लें चल दोबारा भी बता देते में यही हुआ था इन दोनों का साइज क्या हो गया था सेम और, और पता क्या यही पे लिख देता हूं क्योंकि एक ही जगह पर होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए क्या फ्रॉम अटॉमिक नंबर 73 से लेके अटोमिक नंबर 82 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी दे हैव हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन एलिमेंट प्रेजेंट अब इट जो भी एलिमेंट इसके ऊपर प्रेजेंट है जैसे टेंटलम है इसके ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट किया है दैट इज नायोबियम उससे भी इसकी एनर्जी एनर्जी क्या होगी ज्यादा कारण पता है ना फिर भाई टेंटलम से क्या प्रेजेंट है पहले एवलॉक वाले शील्डिंग इफेक्ट कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ठीक है इसकी टेंटलम ना, की नायोबियम से ज्यादा होगी वही वहां पर लिखा हुआ है बेटा तेरा फ्रोम टॉमिक नंबर सेवेंटी थ्री टू टॉमिकली हायर देन द एलिट प्रेजेंट अब इट अच्छा ये क्या लिखा हुआ है एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है हम लोगों ने ध्यान से सुनिएगा समझेगा पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ये रहा जिंक थ्री डी सीरीज में उसके नीचे कैडमियम उसके नीचे मरकरी कैडमियम का होता है फोर्टी एट इसका होता है एटी इसका होता है थर्टी कितना तो पता है कि जिंक से कैडमियम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज जिंक से कैडमियम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज क्लियर है सर ठीक है लेट्स टॉक अबाउट कैडमियम टू मरकरी अभी अभी बोला जो अटोमिक नंबर एटी है यानी कि सेवेंटी से एटी के बीच में है तो इसकी एनर्जी अपने ऊपर वाले से क्या होगी ज्यादा हो होगी यानी कि मर्करी, मर्करी की कैडमियम मर्क और मरकरी की जाती है कि वो जिंक से भी ज्यादा हो जाती है यही है मजाक तो कैसा लगा मेरा मजाक है ना तो इधर से इधर आएंगे आयो एनर्जी क्या होगी इंक्रीज ऐसा ही ऐसा ही कॉपर सिल्वर और गोल्ड में भी होता है 79 फिर भाई गोल्ड की सिल्वर से ज्यादा होगी ठीक कॉपर और सिल्वर में से कॉपर की ज्यादा होगी और गोल्ड की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कॉपर से भी क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है यानी कि पहले गोल्ड फिर कॉपर और फिर एंड में क्या आ जाएगा सिल्वर ठीक है एक दो और क्वेश्चन है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम और कॉपर की बहुत ज्यादा क्यों होती है मेरे ख्याल से आपको पता है मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा क्रोमियम के एक्सेप्शनल कंफिग्रेशन होती है यस सर आज बड़ी थी यस सर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने लूज कर दिया करा दो लूज क्या ये बन जाएगा यस सर क्या थ्री डी फाइव हाफ फील्ड है यस सर हाफ फील्ड है स्टेबल है स्टेबल है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल होगा इसी कारण सीआर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी सिमिलरली कॉपर के लिए भी ऐसा ही होगा आगे क्या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज हो या जिंक हो बहुत ज्यादा होगी मैंगनीज की चेक कर थर्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा बेटा भाई दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो किसमें से निकलेंगे फोर में से इलेक्ट्रॉन एड भी पहले फोर में होता है रिमूव भी पहले पूरा से होता है as compared to 3d निकल गए दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या आपको पता है ये d ऑर्बिटल होगा यस क्या ये हाफ फिल्ड होगा यस क्या ये स्टेबल होगा यस तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा इसी कारण मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बहुत ज्यादा सेम इज द केस विद जिंक आल्सो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बेटा वो यही बन जाएगा फोर yes, है, है, एस निकालना मुश्किल है तो जिंक की भी थर्ड एनर्जी क्या होगी बहुत ज्यादा ठीक है आगे क्या है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं ठीक है या दो इकट्ठे बात कर लेते हैं क्या आपको पता है सोडियम है जैसे ठीक है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है उसकी वैलेंसी फिक्स्ड है यस सर प्लस वन होती है कैल्शियम है टू होती है ठीक है? इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है जैसे ना आयरन प्लस टू में भी देखा होगा कॉपर प्लस टू में भी देखा होगा ठीक है और ऐसे भी बोल सकते हो एन एस एंड एन माइनस वन डी बात तो वही हुई फोर एस और थ्री डी ठीक है एन एस और एन माइनस वन डी दोनों एन माइनस वन डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर एस के इलेक्ट्रॉन n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं इस कारण इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है सर ऐसा क्यों होता है सोडियम में तो ऐसा नहीं होता कि 3s के भी और पीछे वाले 2p के भी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर ले नहीं तो सोडियम भी +2 शो कर सकता था या +3 शो कर सकता था यहां पर ns और n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन टेक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं इसी टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों क्यों दोनों के टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ बिटवीन एनर्जीज़ ऑफ एन एस एंड एन माइनस वन डी अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक सर एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए जैसे ये देखिए आयरन ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आर्गन एस टू सॉरी थ्री डी सिक्स फोर एस एंड थ्री डी सिक्स क्या बोला है? एक तो ns के इलेक्ट्रॉन यानी कि ये दो टेक पार्ट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर सिर्फ यही दो करेंगे तो प्लस टू और एन माइनस वन डी यानी कि यहां पर थ्री डी के सिर्फ अनपेयड सिर्फ अनपेड ठीक है तो अगर ये दो और सिर्फ ये एक टेक पार्ट किया तो प्लस थ्री ये दोनों और ये भी दोनों एक और एक दो ठीक है तो प्लस फोर अगर ये दो और ये तीनों एक दो और तीन दैट इज प्लस फाइव और अगर ये दो और ये चारों अनपेड वन टू थ्री फोर तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है प्लस टू से लेके प्लस सिक्स तक आयरन शो कर सकता है ठीक है दीज आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इनको पता ना काउंट क्यों नहीं किया क्योंकि ये पेयर्ड है किसके एन माइनस वन डी के ठीक है सो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय बाकी आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं तरीका मैंने बता दिया मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट वालों की प्लस टू याद रखिएगा ठीक है बट स्कैंडियम शो नहीं करता में मोस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है सारे एलिमेंट जो है वो प्लस टू तो शो करते ही करते हैं सिर्फ किसको छोड़ के स्कैंडियम को शो छोड़ के स्कैंडियम जो है हमेशा प्लस थ्री ही शो करता है सर क्यों स्कैंडियम प्लस थ्री क्यों शो करता है हमेशा प्लस शो ही क्यों नहीं करता क्योंकि अगर स्कैंडियम तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी गैस कंफिग्रेशन आ जाती है याद रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ठीक है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस थ्री हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन शो कर सकते हैं रुथीनियम और ऑस्मियम कितनी हो सकती है वो दैट इज प्लस एट कई बुक्स में सिर्फ ऑस्मियम लिखा हुआ है बट रुथीनियम भी शो कर सकता है नेक्स्ट आते हैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात हो रही है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है सबसे पहले तो यह स्कैंडियम वाला है. अभी अभी एक्सप्लेन किया स्कैंडियम वाले के लास्ट में फोरेस कंफिग्रेशन होगी और आर्गन होगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्गन जैसी कंफिग्रेशन होगी मेरे ख्याल से समझ आ गया जी अभी अभी बोला भी था क्या कि इनमें क्या होगी नॉबल गैस कंफिग्रेशन क्या है एज कंपेयर टू स्कैंडियम टू पॉजिटिव ठीक यहां पर बात करते हैं एफ टू पॉजिटिव कम स्टेबल क्यों है एफ पॉजिटिव से ये होगा आर्गन फोर ये होगा सॉरी फोर एस जीरो थ्री डी सिक्स और ये होगा आर्गन फोर एस जीरो थ्री डी फाइव साफ पता चल रहा है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्यों क्योंकि ये क्या है हाफ फील्ड और हाफ फील्ड क्या होते हैं स्टेबल होते हैं और बात करते हैं एम एन टू पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है एम एन थ्री पॉजिटिव से एम एन टू पॉजिटिव फोर एस Mn3 थ्री पॉजिटिव आर्गन जीरो थ्री डी फोर क्या पता चल गया कि ये क्या है हाफ फील्ड हाफ फील्ड है तो क्या होगा स्टेबल स्टेबल है तो ऑब्वियसली एम एन टू पॉजिटिव आइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें हाफ फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल है सबशेल है आगे बढ़ते कॉपर प्लस वन और कॉपर प्लस टू ये समझने वाला है ध्यान से इसको याद रखिएगा पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर कॉपर प्लस वन देखें आर्गन फोर एस जीरो थ्री डी टेन इसको देखें आर्गन फोर एस जीरो थ्री डी नाइन तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉपर प्लस टू ठीक है बट एक्व सोल्यूशन में ये ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर टू पॉजिटिव आइन मोर स्टेबल होता है सर ऐसा क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है सर उससे क्या हो जाएगा हाई हाइड्रेशन लिखा है सर उससे क्या हो जाएगा अगर ये हाइड्रेट हो जाएगा अगर इसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाती है कम एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा फैक्ट है याद रखेगा पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एक और ये है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई क्रोमियम टू पॉजिटिव आयन देखें तो आर्गन फोर एड जीरो थ्री डी फोर क्रोमियम थ्री पॉजिटिव आयन देखें आर्गन फोर एज जीरो थ्री डी थ्री क्रोमियम थ्री पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम टू पॉजिटिव आयन रीजन क्या है यहां पर जो थ्री डी थ्री है पता है तो वेल एंड गुड नहीं पता है तो मैं बता देता हूं टी टू जी थ्री है क्या टी टू जी के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये ट्रिपली डी जनरेट तीन ऑर्बिटल्स हैं हर एक के अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जब तीन ऑर्बिटल हो हर एक के अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हाफ फिल्ड हो जाता है स्टेबल हो जाता है इसी कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल है समझ आ गया वेल एंड गुड नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ाएंगे ठीक थी, है आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन चीजों का सम होता है ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कभी भी नाम ना दे रखा हो तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये तीन चीजों कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी एक सब्लिमेशन तो एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी <laughs> uh, कैसे हा पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसकी मीस एक पानी पी ले कोई नहीं पी लेते हैं पानी भी ठीक है हाँ पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ठीक है इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता ठीक है क्यों क्यों नहीं होता सर रेगुलर ट्रेंड ऑब्वियसली अगर आपने बोला ये तीन चीजों का सम होता है एग्री कर गए ठीक है इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये जो दो चीजें आपको नजर आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी का थ्री सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे सबलीमेशन एनर्जी का इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता ठीक है अगर इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है तो इनको जो सम करके आएगा उसका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा नो रेगुलर ट्रेंड फॉर एस आर पी ड्यू टू इेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइेशन एनर्जी एंड सब्लीमेशन एनर्जी ठीक है ये एसआरपी है तीन चीजों का सम होता है थ्री डी सीरीज के लिए इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता लेफ्ट टू राइट जाते हुए कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है बढ़ता है कम हो जाता है या तो हमेशा बढ़े या हमेशा कम हो तभी तो बोलेंगे क्या होता है दैट इज रेगुलर ट्रेंड बात करते हैं कलर ऑफ कंपाउंड्स का डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी कई सारे क्या होते हैं कलर्ड होते हैं कलर्ड होने के तीन रीजन हो सकते हैं ठीक है पहला रीजन है डी डी ट्रांजिशन सर ये डी डी ट्रांजिशन होता क्या सॉरी जब भी होगी D1 लेके D9 तक ठीक है मेरे हाथ पे कोई डी ब्लॉक एलिमेंट पड़ा हुआ है या कंपाउंड पड़ा हुआ है आपने इसके ऊपर वाइट लाइट डाली या लाइट डाली कोई भी, ठीक है? अगर कंफिग्रेशन इसकी या तो डी वन से लेके डी नाइन के बीच में है तो उस लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन पी टू जी से EG में चला जाएगा कंपाउंड पड़ा है तो आपको टी टू जी ईजी पता होगा ठीक है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन टी टू जी से EG में चला जाएगा ठीक है बाकी जितनी लाइट थी उसको क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है जैसे सिस्टम लगा होता है डिनर में ठीक है वहां पर जाते हैं तो तरह तरह के भांति पकवान आपके सामने पड़े होते हैं बहुत सारी खाने पीने की चीजें पड़ी होती हैं ठीक है आप सारी की सारी चीजें उठा के थोड़ा खा लेते हो नहीं ना अपने हिसाब से जो चीज चाहिए होता है उसको डाल लेते हो अपने प्लेट में और बाकी जो है उन सब चीजों को छोड़ देते हो सेम इज द केस केसियर अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा कुछ लाइट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन और यूज कर लेंगे टी टू जी से ई जी में जाने के लिए बाकी जितनी लाइट थी उसको क्या कर देंगे ये रिफ्लेक्ट कर देंगे ठीक है वही लाइट जो इसने ट्रांसमिट कर दी है ठीक है वापिस भेज दी है ठीक है वही लाइट का कलर हमें कंपाउंड में दिखाई देगा ठीक है जैसे इसको समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं बी ओ आर जी वी वन ब्लू लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज ऑरेंज एंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ब्लू सर मतलब क्या है इसका मान लीजिए मैंने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली व्हाइट लाइट के अंदर ब्लू ऑरेंज रेड ग्रीन येलो सब सब होते हैं ठीक है अगर इसने ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने t2g से eg में मूव करने के लिए तो ये रिफ्लेक्ट पता किसको करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ब्लू को एब्जॉर्ब किया रिफ्लेक्ट किसको करेगा ऑरेंज को पता वो कंपाउंड हमें कौन से कलर का दिखाई देगा ऑरेंज कलर का दिखाई देगा ठीक है और अगर अगर हमने उसके ऊपर लाइट डाली और उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ट्रांसमिट पता किसको करेगा दैट इज रेड को तो यानी कि हमें वो कौन से कलर का दिखाई देगा रेड का मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया डीडी ट्रांजिशन कब होगा इतना सा याद करना है बस समरी में हम लोगों को जब भी कंफिग्रेशन डी वन से लेके डी नाइन के बीच में होगी डी डी ट्रांजिशन होगा एंड कंपाउंड क्या होगा कलर अगर कंफिग्रेशन या तो डी जीरो होगी या डी टेन होगी तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये क्या होगा कलरलेस क्या होगा ये कलरलेस होगा ठीक अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन अकेला रीजन नहीं होता कंपाउंड को कलर होने का डीडी ट्रांजिशन एक रीजन है कि इससे भी कंपाउंड कलर हो सकता है कुछ और रीजंस भी हैं जैसे पहला चार्ज ट्रांसफर सर ये चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए के एम एनो फोर के टू सी आर टू सेवन ठीक है ऐसे कुछ एग्जाम्पल और भी बहुत सारे ठीक है ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जस्टिम सेक ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन डी जीरो आ रही है मैं, मैं करके दिखाऊं जैसे ये देखो कैमरा फोर में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे दिस इज एक्स एक ऑक्सीजन का माइनस टू फोर का माइनस एट यहां पर प्लस वन जीरो एक्स कितना आ जाएगा प्लस सेवन अगर आप एम प्लस सेवन को देखेंगे भी तो ये आर्गन जैसे मैं पहले एम दिखा देता हूं फिर एम ज्यादा समझ आएगा आर्गन फोर थ्री डी फाइव ठीक है एम एन प्लस सेवन कहने का मतलब क्या हो जाएगा सेवन रिमूव करने पड़ेंगे इसमें से फोर एस जीरो थ्री डी जीरो तो इसका मतलब यहां पर डी जीरो है डी डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह कंपाउंड क्या होना चाहिए कलरलेस होना चाहिए ठीक है बट आपको पता है क्या मतलब और आपने लैब में भी देखा होगा पिंकिश पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके ये कलर्ड तो होता है सिमिलरली यहां पर भी क्रोमियम क्लस सिक्स में आएगा यहां पर भी डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसका मतलब ये भी कलरलेस होना चाहिए ठीक है बट ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा क्यों दे आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर सर ये चार्ज ट्रांसफर क्या है और कैसे होता है मेोफोर हो चाहे के टू सी आर टू सेवन ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है क्रोमाइल सी आर ओ टू सी एल टू ठीक है और भी बहुत सारे चार ट्रांसफर में होता क्या है जो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्रोमियम को या मैंगनीज को केमेनोफोर की बात हो रही है या के टू सी आटो सेवन की बात हो रही है मान लेते हैं केमेनोफोर की बात हो रही है तो एम एन प्लस सेवन ये इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बन गया एम प्लस सिक्स अब यहां पर कंफिग्रेशन तो डी जीरो थी यहां पर कंफिग्रेशन डी जीरो नहीं है एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ठीक है ये इसी चार्ज ट्रांसफर के कारण और ये मोमेंटेली चार्ज ट्रांसफर है ऑक्साइड ने एक इलेक्ट्रॉन लाइगेंड लाइगेंड जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया एम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और फिर दोबारा यही होगा एम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये ऑक्साइड उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा फिर रिपीट यही होगा ऑक्साइड ने लूज किया एमएन ने गेन किया फिर एमएन ने लूज किया ऑक्साइड ने गेन किया ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ये मोमेंटेरली चार्ज ट्रांसफर ठीक है यही रिस्पांसिबल है कलर के लिए आपको ज्यादा समझना नहीं है आपको सिर्फ ये समझना है कि चाहे केमनोफोर हो K2Cr2O7 हो क्रोमाइल क्लोराइड हो ठीक है इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर खत्म बस इतनी सी लाइन समझते हैं बस थर्ड एक और रीजन है कंपाउंड के कलर होने का क्या लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है कलर उतना ही गहरा होता है डीप होता जाता है डार्क होता जाता है ठीक है सर एग्जांपल बताइए एग्जांपल ये, ये देखिए एजीसीएल ए जी इधर से इधर जाएंगे परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा सर कैसे इंक्रीज होता जाएगा ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल में मैं एक बार आपके लिए फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है Yes. जितना बड़ा एनायन होता था कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता था ठीक है तो कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा ठीक है कलर भी क्या होता जाएगा उतना ही गहरा होता जाएगा ए ये तो व्हाइट कलर का वैसे प्रेसिपिटेट ही होता है ये पेल येलो होता है और ये येलो कलर का होता है ठीक है आप देख रहे हैं कोवलिन करेक्टर बढ़ता जा रहा है तो कलर भी क्या होता जा रहा है गहराता जा रहा है तो ये भी एक रीजन होता है कलर शो करने का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक होते हैं ठीक है और वो शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये मैग्नेटिक मूवमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो पैरा मैग्नेटिक होगा और उसी उन्हीं के, उन्हीं के कारण अराइज होगा मैग्नेटिक मोमेंट। सर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं रूट ब्रैकेट में एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन बी एम का मतलब है बोर मैग्नेटॉन सर एन क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखो एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं ठीक है म्यू दिया हो एन निकालने का एन दिया हो म्यू निकालने का अप्रोक्सीमेट तरीका बता देता हूं उसी से पेपर में क्वेश्चन आएगा उसी से सॉल्व कर लेंगे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पेपर में कैसे म्यू इज अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सेवन फाइव ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनपेयड इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वन हुए तो म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं एग्जैक्टली वन पॉइंट सेवन फाइव होगी अगर एन की वैल्यू टू आई तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट सेवन फाइव के आसपास होगी मैं 2.75 नहीं 2.75 के आसपास होगी थ्री आई तो 3.75 के आसपास जिससे अंदाजा लग जाएगा आपको जैसे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं बड़ा सिंपल सा मान लो म्यू दिया हुआ है 4.96 क्या दिया हुआ है 4.96 आपसे n पूछा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं सर जब n दिया हुआ था म्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने पॉइंट सेवन एड कर दिया अब म्यू दिया हुआ है एन फाइंड आउट करने के लिए आप पॉइंट माइनस कर दो फोर बोला है उसमें से पॉइंट सेवन फाइव माइनस करूंगा तो आएगा क्या कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर पॉइंट टू वन हो सकते हैं नहीं सर ये तो इंटीजर होता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री फोर फाइव हो सकता है फोर पॉइंट टू वन नहीं हो सकता है. तो एन कितना होगा फोर पॉइंट टू वन के पास का इंटीजर कौन सा है फोर इसका मतलब उसका एन कितना है फोर उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ठीक है तो इसी तरह से आप विदाउट पेन उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन यहां पर आया भी हुआ है ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कितना 2.83 दे रखा है म्यू दे रखा है आप बताइए ये कौन से आयन का है इतना तो पता चल गया कि 2.83 दे रखा है म्यू n कैसे निकालूंगा 0.75 माइनस कर दो आ गया 2.08 2.08 तो हो नहीं सकता यानी कि कितना होगा टू अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है सर ये एग्री हो गया अब बस ये चेक करना है इनमें से दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे है salt, निकल 28 होता थ्री डी एट पर निकल थोड़ा सर निकल टू पॉजिटिव है तो अगर निकल टू पॉजिटिव है कैसे बताएं चलिए जी ठीक है ठीक है क्या दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ठीक है भावनाओं में बह के गाने की ट्यून भी कमजोरी से निकल गई हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे आते भी पहले फोर एस में है जाते भी पहले फोर एस में से है तो थ्री डी एट क्या नजर आ रहे हैं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो साफ पता चल रहा है हमें वही तो ढूंढना था जिसके पास कितने थे, किसके, कितने थे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो दैट इज निकल टू पॉजिटिव ठीक आगे बढ़ते कैटलाइटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एलिमेंट एज वेल एज डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं क्या है ऐसा इसमें ठीक है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है पी ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है सबसे पहले तो क्या है वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी का मतलब अभी बताया जैसे आयरन है कभी प्लस टू भी शो कर सकता है प्लस थ्री भी शो कर सकता है ठीक है दूसरा लार्ज सरफेस एरिया इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसी है कि बीच में बहुत ज्यादा पोरस है पोरस का मतलब समझ गए बीच में बहुत ज्यादा वॉइड्स हैं ठीक है तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसी के कारण उसी के कारण ठीक है वैकेंडी लार्ज सर्फेस एरिया होगा तो बहुत ज्यादा कोई रिएक्टेंट आके वहां पर एड्जॉर्ब हो सकता है देयरफॉर फोर रिएक्टेंट कैन एडजॉर्ब टू लार्ज एक्सटेंट नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल सिर्फ वैकेंडी ऑर्बिटल होने से क्या हो जाएगा अगर इनके पास वैकेंडी ऑर्बिटल होगा तो रिएक्टेंट्स को अपने साथ मिला ब... मिला के या अपने साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बना सकता है जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी रिपीट कर देता हूँ वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण रिएक्टेंट्स की अपने साथ बहुत सारी बॉन्ड्स बना सकता है जिसके कारण जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बहुत कम रिएक्शन क्या हो जाएगी बहुत फास्ट कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट uh, है वो हम अगले पेज पे याद कर रहे हैं और उसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी है पहला कौन सा लाइक वेरेडियम पेंटॉक्साइड कहां पे यूज होता है जब आप uh, ने पी ब्लॉक में देखा होगा जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा एसओ टू से एसओ थ्री बनाने के लिए आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है प्रोसेस में एन टू गिव्स यू टू उसमें यूज होता है ठीक है ट्राइफिनाइल

देखिए जी मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस कब आया है नीट टू में क्वेश्चन आया है सबसे पहले तो इनको मैच करना है पेन कोई अच्छा सा पकड़ लें दैट इज अभी अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ एसओ टू टू एसो थ्री अभी अभी जस्ट पिछले पेज पे तो वन का सी आएगा सर वन का सी मतलब आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है सी तो हो नहीं सकता डी तो हो नहीं सकता ठीक है यही है वो जीगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस इथाइल एल्यूमिनियम ठीक है ये किसमें यूज होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ में पॉलीमराइजेशन ऑफ में में ये ठीक तो यानी कि टू का क्या हो गया डी आंसर यहीं से आ गया वन का सी टू का डी आंसर तो यहीं से आ गया कि बी है बट फिर भी बाकी करना है तो आप कर सकते हैं ठीक है पैलेडियम क्लोराइड ये यूज होता है इथाइन से बनाने में आप एल डी के टोन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें भी आप ये चीजें पढ़ेंगे फॉर श्योर sure, ठीक है पर निकल के कंपाउंड कहां पर यूज होते हैं पॉलिमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में भी यूज होते हैं ठीक आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था ये तो ऐसे ही बता दिए बस आगे बढ़ते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स सर ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स होते क्या मेटल्स है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यस सर इनकी अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी यस सर उसके बीच में वॉर्ड होंगे छोटी छोटी जगह होंगी जो खाली होगी यस वहां पर जो छोटे छोटे एलिमेंट के एटम्स होते हैं बहुत जो छोट छोटे छोटे एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन उनके वॉर्ड्स में आके बीच में बैठ जाएंगे उन ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ठीक है सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की होती क्या है केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है जैसे ये एक मेटल है जिसके वॉर्ड्स खाली हैं अब इसी मेटल का दूसरा पीस है उसके अंदर जो वर्ड थे वहां पर हमने छोटे छुट छोटे एलिमेंट डाल दिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है फर्क किसका है फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज का दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है इस तरह की चीजें दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज पेरेंट मेटल बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड मिलाने के बाद मेटल और ज्यादा हार्ड हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ठीक है बट मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है Which of the following statements about the interstitial compound is अच्छा incorrect बतानी है statement कब आया है नीट 2013 में ठीक है क्या ये chemically reactive होते हैं नहीं नहीं ये तो chemically क्या होते हैं inert होते हैं ठीक है ना chemical properties में तो कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है ठीक है तो यही यार हो गई incorrect ठीक है बाकी वैसे पढ़ लेते हैं ये ज्यादा हार्ड हो जाते हैं बोला ही अभी अभी

अटोमिक uh, रेडिया ही पढ़ा था स्कैंडियम से मैंगनीज जाते हुए साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा मैंगनीज से कॉपर जाते हुए साइज ऑलमोस्ट क्या रहता था सेम और कॉपर से जिंक जाते हुए साइज क्या होता था इंक्रीज यानी कि टोटल देखेंगे लेफ्ट टू राइट आते हुए साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है ये वही एलिमेंट आपस में अलॉयस बनाते हैं जिनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और ऐसा है डी ब्लॉक एलिमेंट में आज हमने पढ़ा इसी कारण ये क्या बनाते हैं एलॉयस ठीक है ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज कुछ एलॉयस के नाम लिखे हुए हैं ब्रास है ब्रॉन्स है ब्रास किसका बना होता है ब्रॉन्स किसका बना होता है दैट्स इट एक बार बैटरी चेंज कर लें आवाज़ आ रही है यस yes, हाँ गलती से मैं बैटरी चेंज करने के लिए बैटरी बाहर निकाल दी थी और बोलना भी शुरू कर दिया था ठीक है आई एम सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक ठीक है वापस आ रहे हैं मैम मैं ये बोल रहा था <laughs> आपके लिए रहस्य ना।, ना रह जाए सर आपने क्या बोला था मैं यही बोल रहा था कि हमें दो कंपाउंड पढ़ने हैं यहां पर के सिलेबस में जो दो कंपाउंड है एक है केवन और एक है ठीक है एंड इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आते भी है सबसे पहला कंपाउंड जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन प्रिपरेशन करने के सबसे पहले लैब मैथड पढ़ रहे हैं लैब मैथड में क्या होगा पोटैशियम क्रोमेट में ठीक है अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू एसओ फोर और एस टू बनेगा बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेथड इंडस्ट्रियल मेथड कहां से फ्रॉम क्रोमाइट और क्रोमाइट टू सीआर टू ओ सेवन बनाने के लिए और कौन सी यूज की जाती है क्रोमाइट क्रोमाइट को ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब दोनों का सेम है वैसे ये थोड़ी सेमिकल उसको हम एफ सी आर टू ओ फोर भी लिख देते हैं ठीक है तीन स्टेप्स में बनानी है हमें इसे कैसे बनाना है ठीक है दैट इज सबसे पहले तो क्रोमाइट और लेंगे उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और इसकी क्या करेंगे रोस्टिंग ऐसा करने से यह सोडियम क्रोमेट बना लेगा क्या बना लेगा सोडियम क्रोमेट ठीक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमाइट क्रोमाइटोर उसमें Na2CO3 थ्री एयर की प्रेजेंस पे रोस्टिंग का मतलब यही होता है सोडियम क्रोमेट बन जाएगा साथ में Fe2O3 और CO2 अब जो है सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे हम सोडियम डाइक्रोमेट में कैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के ये रहा सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम सल्फेट और वाटर अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में कैसे बाय रिएक्टिंग विद KCl फिर सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ रिएक्ट करेंगे थोड़ा सा हीट कर देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है K इधर चला जाएगा

कलर uh, क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का दैट इज ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ऑरेंजिश टिंज ज्यादा होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो तो ये ऑरेंज से सी, सीधा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा सी आर टू ओ थ्री निकलेगा ओ टू निकलेगा वो मैटर नहीं करता हमें हमें तो इतना पता कि ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा येलो इफेक्ट ऑफ पीएच क्या पी एच पे कोई फर्क पड़ेगा ठीक है अगर आपने डाइक्रोमेट यही पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है अगर आपने पीएच इंक्रीज कर दी अगर आपने पीएच इंक्रीज कर दी ठीक है इंक्रीज करने का मतलब होता है आप उसमें ओएच नेगेटिव आयन बेस डाल दो सर आपने तो वाटर डाला है नहीं वाटर नहीं डाला है बेसिकली मैंने इधर भी एच पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है ना तो यानी कि अगर एच टू ओ में से एच पॉजिटिव आयन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा ओ एच नेगेटिव आयन ही बन जाएगा अगर आपने पीएच इंक्रीज कर दी तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि जो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा था सॉल्यूशन uh, हमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर के क्रिस्टल में येलो कलर के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रोमेट में अगर आपने एसिडिक मीडियम रखा यानी कि एच पॉजिटिव आइंट डाले यानी कि पीएच को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया तो येलो से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और देखते ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, है ध्यान से सुनेंगे समझेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में ठीक है पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाता है एक तो K2SO4 साथ में Cr2SO4 का होल थ्राइस साथ में 4H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन ठीक है कलर इसका क्या था ऑरेंज खुद कन्वर्ट हो जाता है ये क्रोमियम सल्फेट में जिसका कलर क्या होता है ग्रीन और साथ में रिलीज क्या करता है ये नेसेंट यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन यही जो है वो दूसरी चीजों को क्या करती है ऑक्सीडाइज दूसरी चीजों को क्या करती है ऑक्सीडाइज करती है ठीक है ध्यान से देखिए सुनिए समझिए पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक अब इसका इक्वी वेट कैसे निकालेंगे यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स यहां पर है प्लस थ्री तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स बाद में कितना है प्लस थ्री यहां पर क्रोमियम के एटम्स कितने हैं दैट इज टू अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता तो यहां पे वन लिख देता टू एटम्स हैं तो कितने टू लिख दिया क्या ये सिक्स आ गया यस सो दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली शायद इसका मोलर मास टू 94 आएगा तो जो भी आएगा वैसे तो उसको डिवाइड किससे कर देना सिक्स ठीक है थीके? आपको पता चल जाएगा अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी तो वो देख लेना 294 की जगह कुछ और होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बस जो भी होगा एन फैक्टर में कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए दैट इज वो कितना है सिक्स सो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग अच्छा एजेंट है ये किन किन चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है पूरी पूरी केमिकल रिएक्शन याद करने से बच बेटर है बस आप एक छोटा सा निमोनिक याद कर लो जो हमने बना रखा है दैट इज फ्यूजन फ्यूजन का मतलब पता क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में पैरस को पैरिक में कन्वर्ट कर देता है स्टैनस को स्टैनिक में कन्वर्ट कर देता है सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है एच टू एस को एस में कर देता है आयोडाइड को आयोडीन में कर देता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देता है नाइट्राइट होता है एनओ टू नेगेटिव पर बीच में ओ भी लिखा हुआ है ठीक है आप वैसे तो ये ऑक्जालेट को भी सीओ में कन्वर्ट कर देता है, का मतलब यही है बट में कन्वर्ट कर देता है थीके? मान लीजिए किसी की भी केमिकल रिएक्शन लिखनी हो आपको ठीक है सर इसमें से आप रिएक्शन पता किसकी लिख के दिखाओ सर इसकी लिख के दिखाओ किसके साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम कैसे लिखेंगे ये रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि डाइक्रोमेटाइन एसिडिक मीडियम में, में। किसमें कन्वर्ट हो जाता था सर सर ये कन्वर्ट हो जाता था Cr2SO4 का टू एसओ फोर का उसको सीआर थ्री पॉजिटिव लिखेंगे और साथ में H2O और किसके साथ एक्शन लिखनी है आयोडाइड को आयोडीन में कर देता है लो भाई आयोडाइड को आयोडीन में सर किसी और के साथ लिख के दिखाओ आ, सर आप लिख के दिखाओ पता है किसके साथ आप लिख के दिखाओ मेरे को आ, फेरस को फेरिक में कर देता है फिर वही बात पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है सीआर थ्री पॉजिटिव आइन एच टू और फेरस को किसमें कन्वर्ट कर देता था फेरिक में ये रहा फेरस को किसमें कन्वर्ट कर देगा फेरिक में सर आप ऐसा करो आप नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है तो ये लो ठीक सॉरी नाइट्राइट को नाइट्रेट को तो मेरे ख्याल से सबकी केमिकल रिएक्शन लिखनी आपको आ गई है इसी तरह से याद करिएगा बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी और आपके काम की भी रहेगी ठीक है कोई कह सर इसको बैलेंस करके दिखाओ वो तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने सीखा ही है आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बैलेंस रट्टा मत मारिएगा आसानी से जो काम किया जा सकता है उसको कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन क्या आया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट थ्रू एसिडिफाइड के टू सी टू सेवन मैंने एक छोटी सी चीज शायद नहीं बताई हाँ यहां बता पर एस जो है वो चार लिख लीजिएगा एक ये भी है कि एसओ टू को सल्फेट में कन्वर्ट कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड को एसओ फोर टू नेगेटिव में आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ हाँ जी क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट When SO2 is पहला है क्या ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट बनेगा हाँ बनेगा बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या सोल्यूशन ब्लू हो जाता है नहीं सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट सोल्यूशन डी कलराइज हो जाता है अरे नहीं बोल तो दिया कि ग्रीन हो जाता है फिर कलर कहां से गायब हो गया कलर चेंज हो गया मान लिया बट गायब थोड़ा हो गया ठीक है क्या एसओ टू रिड्यूज हो जाता है अरे नहीं ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसओ टू को क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें सल्फेट आयन में और देखें कोई एक और अच्छा क्वेश्चन है एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन खुद ग्रीन हो जाता है जब सल्फाइट को इसमें ऐड किया जाता है ये सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है ये जो ग्रीन कलर आता है ये किसके कारण आता है सर क्रोमियम सल्फेट के कारण ये भी पड़ा अभी अभी दैट इज ऑप्शन नंबर बी कब आया 2011 में पिछले वाला क्वेश्चन कब आया था 2016 में स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बाकी दो के साथ सिंगल बॉन्ड सर कैसे है? आई ये सिंगल बॉन्ड क्या आपको पता है? टू नेगेटिव चार्ज है यस इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे यस सर किसने गेन किए होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन है कितनी चार गेन कितनों ने किए होंगे दो ने एक एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया वो तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एक एक बॉन्ड बनाएगा बाकी बेचारे दो ऑक्सीजन नॉर्मल थे उन्होंने वो क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे ठीक सर डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी एक क्रोमेट आयन बनाओ नाम से ही पता चल रहा है दूसरा क्रोमेट आयन बनाओ उसमें से एक ऑक्सीजन कॉमन कर दो जैसे ये देखो एक आयन बनाया दूसरा क्रोमेट आयन बनाया और उसका एक ऑक्सीजन क्या कर दिया कॉमन कर दिया ये क्या बन गया डाइक्रोमेट आयन याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसकी भी टेट्राहेड्रल है बेटा एसपी थ्री हाइविडाइज ये भी टेट्राहेड्रल है

क्या ऐसा डाइक्रोमेट आयन में भी होगा डाइक्रोमेट आयन में जहां जहां पे रेजोनेंस होगी वहां पे पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा बड़ी सिंपल सी बात है बट कहां कहां होगी मैं उसको सर्कल कर देता हूं टिक कर देता हूं ज्यादा बेटर रहेगा यहां होगी यहां होगी यहां होगी यहां होगी यहां होगी यहां होगी ये यह जो बीच वाला ऑक्शन जो है ये रेजोनेंस यह तो पार्ट नहीं करेगा यानी कि ये दोनों बॉन्ड्स तो सिंगल होंगी बाकी इसमें भी पार्शल डबल बॉन्ड 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 आ जाएगा ठीक है यहां पर सारी क्रोमियम ऑक्शन बॉन्डलेंस सेम नहीं होगी छह सेम है दो अलग अलग है। यहां पर जितनी भी क्रोमियम ऑक्शन की बॉन्डलेंस है वो सारी क्या होंगी सेम होंगी ठीक आगे बढ़ते हैं विच ऑफ दिट एक तो डी डी ट्रांजिशन भी होना चाहिए यानी कि कंफिग्रेशन डी वन से लेकर डी नाइन के बीच में होनी चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए वैसे तो हमें सारी ऑप्शन चेक करनी है बट मैं ये वाली ऑप्शन ऑलरेडी चेक कर चुका हूं यह डी जीरो था मैं ये भी चेक कर चुका हूं यह भी डी जीरो था यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आएगा या तो ए यान ओ फोर टू नेगेटिव इसमें एम एन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में एम एन होता क्या है आर्गन एस टू थ्री डी फाइव तो एम एन में मैंने क्या किया प्लस सिक्स प्लस सिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा भी पहले फोर एस में से हां सर दो इसमें से क्या कर रहा हूं मैं भी दो इसमें से और चार इसमें से क्या अभी भी आपको डी वन नजर आ रहा है सर yes, तो इसमें डी डी ट्रांजिशन तो हो सकता है एग्रीड क्या ये पैरामैग्नेटिक भी है हां ये पैरामैग्नेटिक भी है नजर आ तो रहा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आंसर आ गया हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर डी ना ये आंसर है ना ये आंसर है ना ये आंसर है नीट टू थाउजेंड एटीन नेक्स्ट पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे दैट इज क्यूम ये सॉल्ट होता है किसका पर मैंगनिक एसिड का दैट इज एच एम फोर का सबसे पहले प्रिपरेशन

पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है कैसे कर सकते हैं या तो उसमें से ऑक्सीजन पास कर दो या क्लोरीन पास कर दो या ओजोन पास कर दो आगे लिखे हुए यहीं पे लिख लेते हैं चलो टू एम एन ओ फोर आप चाहें तो यह भी यूज कर सकते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है पर जो हमने लिखा हुआ है मैं तो उसी पर फोकस करूंगा Cl2 टू वाला कर लेता दैट इज के साथ में क्या बन जाएगा दैट इज के सी एल ठीक है तो आप ओजोन भी लिख सकते थे आप O2 भी लिख सकते थे ठीक है सीओ टू भी आप लिख सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप बात करेंगे की के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डार्क वायलेट कलर के थोड़ा पिंकि बट डार्क पिंक स्टिंज होता है ठीक है एंड ये जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हीट करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैंगनेट मैंने बोला ही है आज का हमने अप्रोच यही लिखी है कि सारी चीजें हमने लिखी हो सिर्फ आपको समझाएं आप एक फाइनल रिवीजन लें इसी नोट्स को आप यूज करें अपनी फाइनल रिवीजन के लिए दैट इज मोर देन इनफ चीजों को बहुत कंसाइज किया हुआ है लेक्चर को एक्सटेंड करना हमारा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है ठीक एक्शन ऑफ एसिड्स ठीक है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ

MSO4 बनते ये क्या हो जाएगा कलरलेस के टू सी आर टू सेवन में ऐसा नहीं होता था वहां पर जब ऑक्सीडाइज एज, एजेंट की तरह काम करता था वहां पर कलर क्या हो जाता था ग्रीन हो जाता था यहां पर क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा इसकी भी सारी रिएक्शंस याद कैसे करनी है वर्ड वही है. फ्यूजन ठीक फैरस को फैरिक एसओ टू को सल्फेट में स्टैनस को स्टेनिक में सल्फाइट को सल्फेट H2S एच टू एस को सल्फर में आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सालेट को सीओ टू में ऑक्सालेट होता है सी टू ओ फोर टू नेगेटिव नाइट्राइट को नाइट्रेट मान लो कोई कहता है नहीं सर मुझे तो रिएक्शन लिख के दिखाओ आप बताओ किसके साथ लिख के दिखाएं स्टैनस के साथ लिख के दिखा दे देखो भाई ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट मीडियम कौन सा है एसिडिक खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये रहा एम एन टू पॉजिटिव आइन में साथ में एच टू को किसमें कन्वर्ट कर देगा स्टैनिक में खत्म हो गई रिएक्शन लिख ली कोई कहे नहीं सर मुझे रिएक्शन आप लिख के दिखाओ ऑक्साइट के साथ लो भाई पोटेशियम पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैंगनेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सालेट आयन के साथ किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको सीओटो में खत्म ठीक रिएक्शन कंप्लीट आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद एल्कलीस ठीक है बेसिक मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं चाहे मीडियम बेसिक हो न्यूट्रल हो एसिडिक हो ठीक है तीनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं ठीक है न्यूट्रल वीकली बेसिक या स्ट्रॉन्गली बेसिक में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बट हम लोग बात करने जा रहे हैं चाहे न्यूट्रल मीडियम लिखा हो या वीकली बेसिक लिखा हो या पेपर में बेसिक लिखा हो न्यूट्रल लिखा हो वीकली बेसिक लिखा हो बेसिक लिखा हो रिएक्शन यही होगी क्या कन्वर्ट होगा MNO2 में में और साथ में क्या निकलेगा वही नेसेंट ऑक्सीजन वही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरी चीजों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज यहां पर फैक्टर कितना प्लस सेवन से प्लस फोर में जा रहा है फैक्टर कैसे निकालेंगे सबसे पहले एम के एटम्स कितने हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल में वन सेवन से किसमें जा रहा है में कितना आ गया थ्री फैक्टर कौन से मीडियम में आया न्यूट्रल या वीकली बेसिक में सर ऐसे एसिडिक में भी बताओ ये लो, ये प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है एन फैक्टर कैसे निकालेंगे सबसे पहले एम के एटम्स कितने पे? वन, से वन से किस में जा रहा है टू सेवन माइनस टू दैट इज फाइव तो एन फैक्टर फाइव आएगा केवन ओ फोर का कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में अब देख लो न्यूट्रल या वीकली बेसिक में ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है ये आयोडाइड को आयोडीन में करता था एसिडिक मीडियम में ये आयोडाइड को आयोडेट में करेगा किसमें या तो वीकली बेसिक या बेसिक या न्यूट्रल ठीक इथाइलिन को इथिन कह सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल में सर ये तो टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग रिएक्शन विद कोल्ड एल्कालाइन के एमो बेयर्स रिएजेंट एच टू एस को सल्फर में एम एन फोर को एमएनओ टू में और सोडियम था सल्फेट को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है सर आपने स्ट्रॉन्गली बेसिक में नहीं बताया स्ट्रॉन्गली बेसिक में ही बता देते हैं वैसे पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है स्ट्रॉन्गली बेसिक में स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में एम एन ओ फोर नेगेटिव एम एन ओ फोर टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है प्लस सेवन से प्लस सिक्स में जा रहा है फैक्टर कितना आ जाएगा वन मोड सेवन माइनस सिक्स सेवन माइनस सिक्स कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में फैक्टर कितना है बेसिक में कितना है और स्ट्रॉन्गली बेसिक में कितना है पेपर में अगर बेसिक लिखा हुआ आया तो उसका मतलब वही है न्यूट्रल वाला वीकली बेसिक वाला या बेसिक वाला ठीक है उसका मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं है पेपर में स्ट्रांगली बेसिक लिखा आएगा तब के मोनोफोर का एन कितना होगा 1 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है व्हेन न्यूट्रल या फेंटली फेंटली का मतलब होता है वीकली बेसिक KMnO4 है ठीक है रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ ठीक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अभी अभी तो बताया ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है अगर मीडियम कौन सा हो वीकली बेसिक कौन ने कहां पे ये रहा, आयो डेट कब आया नी 2019 में स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट आयंस यहां पर कर लेते हैं एम एन ओ फोर नेगेटिव दैट इज पर मैंगनेट आयन एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा बाकी तीनों क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे फिर वही टेट्राहेड्रल sp3 hybridized और भी कुछ बोलना है इसमें हा ऑल एम एन ओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू सब में पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा ऐसे आप मैंगनेट की भी बना सकते हो एम एन ओ फोर टू नेगेटिव

कोई ना कोई निमोनिक आपने बना रखा होगा वेल एंड गुड नहीं बना रखा है तो मैं बता देता हूं बट याद जरूर दैट इज लाला बुक्स में ऐसे बहुत सारे निमोनिक दे, दे रखे हैं तो मैंने भी बुक्स में से किसी में से देखा लाला सैर पर निकल पड़े सम यूरोप की गाड़ियां तब थोड़ा साइड में लिख लेते तब दौड़ी होंगी एक तुम यामा ले जाओ ठीक है आप इसको मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप आराम से लिख सकें ठीक है एंड लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज क्या लिख लिया सबने जी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अगर आप देखेंगे आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखना बहुत ज्यादा आसान है सबसे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन हो पहले फिफ्टी फोर इलेक्ट्रॉन नॉन में ठीक मान गए उसके बाद आप रखेंगे सिक्स एस में दो इलेक्ट्रॉन फिफ्टी फोर यहां आ गए यहां पर टू आ गए कितने हो गए फिफ्टी सिक्स फिर या तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या जीरो आएगा मैं रिपीट कर देता हूं सबसे पहले फिफ्टी फोर इसमें टू इलेक्ट्रॉन उसके बाद सिक्स एस में या तो फाइव डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या जीरो आएगा ठीक उसके बाद लास्ट में जितने भी बच गए हैं वो फोर एफ वो फोर एफ ठीक है सर एक आध कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बिल्कुल प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे आएगी प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आएगी सर कहां पर 5d में जीरो रखना है कहां पर 5d में वन रखना है ये हमने यहां पर लिखा हुआ है 5d डी वन किसमें होगा एक तो लेंथनम में सीरियम में गैडोलिनियम में और न्यूट्रीटियम में डेट्स इट बाकी सब में 5d डी जीरो बाकी सब में 5d डी जीरो करके देख ले थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए दिस इज 57 क्या हो रहा है यार

Gadolinium है 64 सबसे पहले क्या बोला 54 तक तो यहां पे आ गए दो इसमें चले गए 56 बचे कितने एट है ना टोटल सिक्सटी फोर भरने भर दिए क्या ये 5d1 वाला है कि 5d0 वाला है सर ये 5d1 वाला है तो यहां पर 5d1 बचे कितने रह गए सेवन सारे फोर में डाल दो लो भाई लिख लिया मान लो मान लो ये 5d0 वाला होता तो ये कुछ भी ना आता सारे सारे इलेक्ट्रॉन फोर एफ में चले जाते वो भी एक एग्जाम्पल कर लेते सर जैसे पीएम कर लेते, लेते ठीक है अटोमिक नंबर कितना है चेक कर लो चाहे पीछे से फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी वन क्या जिन यहां पे लिख लिया फिफ्टी फोर आ गए फिफ्टी सिक्स हो गए बज गए पांच फाइव डी जीरो यानी कि लिखने की जरूरत ही नहीं है कितने बज गए पांच पांच के पांच फोर एफ फाइव में फिफ्टी सिक्स और फाइव फिफ्टी सिक्सटी वन हो गए ठीक तो मेरे ख्याल से आप किसी भी लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट 2016 में आप तो एक तो यूरोपियम का लिखना है गैडोलिनियम का लिखना है और इसका टीबी का लिखना है ठीक है? क्या आपको पता है तो इसमें 5D1 आएगा। बाकी किसी में फाइव डी वन आएगा ही नहीं चेक कर ले, शायद इसी से आंसर आ जाए इसने तो यूरोपियम में फाइव डी वन दे रखा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता इसने फिर यूरोपियम में 5D1 दे है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बी ऑप्शन को देखें यूरोपियम में तो फाइव डी वन नहीं है बट गैडोलिनियम में भी फाइव डी वन नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आंसर यही होगा बट चेक कर लेते हैं, ये रहा यूरोपियम में फाइव डी वन नहीं है गैडोलिनियम में है और फिर वही इसमें टर्बियम में भी नहीं है तो आंसर क्या हो गया ए पूरी लिखने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको याद होता फाइव डी वन वाले कौन कौन से हैं तो नहीं तो पूरा लिखना पड़ता टाइम ज्यादा वेस्ट होता एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द अमंगस ये आज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में लिखवा दिया था क्या के प्लस टू मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लस थ्री मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ

है ऑटोमिक एंड आइनिक रेडियाई लेंथेनॉइट कॉन्ट्रेक्शन नहीं बात करेंगे ऑलरेडी आज हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्कस वही कि जब आप लेंथेनॉइट में भी जाते हैं लेफ्ट टू राइट उनका ऑटोमिक रेडियाई डिक्रीज होता है ठीक है कारण आपको पता ही है वही फोर एफ वाला वीक शील्डिंग इफेक्ट उसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया था फोर डी फाइव डी का साइज सेम हो जाता है

क्या आपको पता है इधर से इधर जाने पर लेंटेन, में साइज डिक्रीज हो रहा है, ये सर, हो रहा है। जैसे जैसे होता जाएगा, आपको पता है ये फिर OH को अपनी तरफ अगर ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ओ एच नेगेटिव आयन जो है वो कम रिलीज करेगा कम रिलीज करेगा तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज देयरफॉर बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस ठीक आगे बढ़ते हैं खत्म हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर ये रहा एक्टरनाइट सीरीज सिर्फ नाम याद करने हैं हम लोगों को दैट इज एक था पापा उसके नब्बे दैट इज 90 बोल सकते हो पुत्र अमेरिका में देख रहे हो फैमिली प्लानिंग के नाम पे क्या क्या हो रहा है ठीक है अमेरिका में काम बिस्कुट का करते थे बिस्कुट का करते थे फैमिली में नौ नाइन बोल सकते हो लड़कियां थी है ना सो ही वॉज बेसिकली वन शॉर्ट ऑफ ए सेंचुरी ठीक है तो ठीक है जी वो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करते हैं एक्टेनॉइड बहुत ज्यादा करते हैं ब्लॉक वाले भी बहुत ज्यादा करते थे क्या रीजन था एन एस और एन माइनस वन डी में एनर्जी डिफरेंस कम होता था सिमिलरली एक्टेनॉइड वाले भी बहुत ज्यादा करेंगे एक्टेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सप्शन में जाएगा

Uh, क्या बोलेंगे सिक्स डी और फाइव एफ इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा तो इन सबके इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं बस यही लाइन है इट इज इसको याद कर लीजिएगा खत्म ये क्वेश्चन आया हुआ है रीजन फॉर ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टेनॉइड क्या बोला है अभी अभी 5f, 6d और 7s इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा तो इसका इन सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं ये रहा इसका मेरे ख्याल से खत्म हो गया है हाँ, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है कार्बन के साथ लेंथेनम कार्बाइड बनाएगा वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा लेंथेनॉइड्स की बात हो रही है हाइलोजन के साथ हेलाइड बनाएगा एसिड के साथ एस्टो रिलीज कर देगा ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा सल्फर के साथ सल्फ्राइड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएगा सर ये बातें तो सिंपल सिंपल हैं मेटल को नाइट्रोजन के साथ करो नाइट्राइड बनाता है कार्बन के साथ करो कार्बाइड बनाता है वाटर के साथ करो हाइड्रोक्साइड बनाता है वही सारी चीजें लिखी हुई है यहां पर एलन का मतलब क्या है Lentinoids. कुछ डिफरेंसेस हैं डिफरेंस में और एक्टेनॉइड्स में लेंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री बहुत कम जगह पर ये प्लस टू प्लस फोर शो करता है जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए स्टेबल ठीक

इनके कंपाउंड लेस बेसिक होते हैं इनके कंपाउंड बेसिक होते हैं यहां पर सिर्फ बोली दिया अभी, अभी, प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सारे रेडियो एक्टिव नहीं है पर ये रेडियो एक्टिव है इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजिली एक्सप्लेन की जा सकती है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजिली एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती पॉइंट है याद करने हैं और कुछ खास इसमें है नहीं ठीक है इसी के साथ थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम थैंक यू बच्चों मेक श्योर करिएगा आप इसकी प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करें नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ ठीक है थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम थैंक यू बच्चों